एंड आज का टॉपिक जो है मैं करने वाली हूँ, मेरा नाम पूजा मानिक पवार है। स्टार्ट करूंगी मेरी जर्नी के साथ। अगेन वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा मानिक पवार है और इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी। बहुत ही कम एज में, बहुत ही रॉन्ग लाइफस्टाइल, खाने पीने की लाइफस्टाइल सही ना होने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट अच्छी तरीके से ना करने की वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और हालांकि जब हमारा वेट अपने आइडियल वेट से ज्यादा होता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने बहुत सारी तरीके से वजन कम करने की कोशिश की, कम भी होता था लेकिन खाने में न्यूट्रिशन की वजह से कभी कभी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते थे। देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी एंड गुड न्यूट्रिशन, जहाँ पे मेरी खाने की आदतें तो बहुत, आप देख सकते हो, खाने की आदतें बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे खाने में न्यूट्रिशन आने की वजह से मेरी हेल्थ सुधरती गई। जो भी रिजल्ट आए वेट लॉस के वो बहुत ही बेहतरीन थे। दिन ब दिन हेल्थ अच्छी होती गई और इस अमेजिंग जर्नी में मैंने अमेजिंग मेरा वेट लॉस किया। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस अमेजिंग जर्नी में गुड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ अमेजिंग हेल्थ को पाया है। और ये जर्नी सिर्फ हमारे तक सीमित ना रखते हुए हमारी एंटायर फैमिली की न्यूट्रिशनल हैबिट्स को चेंज किया है। एंड वी ऑल आर लिविंग गुड हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। सो ये था मेरा जर्नी। एंड विद दिस जर्नी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मैं मेरे टॉपिक की तरफ आज जाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कम एज में गलत खाने की आदतों की वजह से मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। जो आज का टॉपिक है, मल्टी वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप देखिए आप हेल्दी हो, आप पॉजिटिव हो, आपकी बातें अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का कनेक्शन हमारे अच्छे खान पान के साथ, अच्छे विचारों के साथ होता है। इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि हमारे खाने में सिर्फ खाना, रोटी सब्जी चपाती होने से मतलब नहीं है। हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वो खाना कैसे होना चाहिए? न्यूट्रिशियस। तो न्यूट्रिशियस खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाई जाती है, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स का प्रेजेंस होना। अभी हालांकि वो हम कोई भी ज्यादा एजुकेटेड उस न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड पे ना होने की वजह से हमें ज्यादा पता नहीं होता है कि कैसे करना है, बट वॉट वी कैन डू इज सिंपल चीजें। अगर अभी तक आपको पता नहीं कि खाने में वाइटमिन्स एंड मिनरल्स कैसे ऐड करना है, तो आपको आपके थाली को चेक करना है, हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को चेक करना है। क्या हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शुगरी होता है, सॉल्टी ज्यादा होता है, तो उसमें कई बार ऐसे पाया जाता है वाइटमिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी हमेशा लो होती है। एक चेंज हम कर सकते हैं, हमारे सुबह का फर्स्ट जो मील होता है उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। हमारे खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? सो ये इंपॉर्टेंस होता है वाइटमिन्स एंड मिनरल्स का। अभी अगर अभी तक आपके खाने में आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया कि वाइटमिन्स एंड मिनरल्स है कि नहीं है, तो आप कई चीजों को फेस कर सकते हैं, जैसे कि लो एनर्जी होना, स्किन हेल्दी ना होना, हमेशा थकावट रखना, हमारा वेट अच्छी तरीके से मैनेज ना होना, चिड़चिड़ापन होना, अच्छी नींद ना आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर हमारे खाने में जो भी हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होना। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर आपके खाने में वाइटमिन्स एंड मिनरल्स जाते हैं, वो कई हद तक आपको मदद करते हैं आपके वेट को बैलेंस करने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, आपको नींद अच्छी मिलेगी, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, आपके वर्क प्लेस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, क्योंकि आपके बॉडी को नरिश कर रहे हो आप। वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, अभी लोग डरते हैं कि अरे वजन मेंटेन करना है तो कई सारे खानों को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन बेस्ट वे टू ऐड वाइटमिन्स एंड मिनरल्स इन आर डेली एक्टिव लाइफस्टाइल इज टू हैव मल्टीपल कलर्ड फूड। जैसे बोलते हैं, हमारा हर एक खाना कलरफुल होना चाहिए, ताकि हर एक कलर के साथ अलग अलग वाइटमिन्स मिनरल्स एंड उनकी गुडनेस हमारे खाने में ऐड हो सके। सेकेंड, मेक श्योर दैट आप जो भी सोर्सेस ले रहे हो वाइटमिन्स एंड मिनरल्स के, वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, लेंटिल्स मतलब दालें जो हम लोग खाते हैं, ग्रेन्स जो खाते हैं, उसके उसके मार्फत आप आपके खाने में ले सकते हो। आप एक चीज नोटिस करना, आपका हर एक मील आप कलरफुल बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके खाने में से विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है, तो आप एनर्जेटिक और दिन ब दिन अच्छे दिखना शुरू हो जाते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पता नहीं है तो गेट स्टार्टेड विथ योर हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की है, हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने न्यूट्रिशियस किया है, विद द कोच के गाइडेंस हमने हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया है और उसमें न्यूट्रिशन एड ऑन किया है। उससे क्या बेनिफिट हुआ है पता है? मेरा ब्रेकफास्ट लो इन कैलोरी है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो मुझे सुबह सुबह एनर्जी भी देता है, टेस्ट में बहुत बढ़िया है एंड पैक्ड विद ऑल गुडनेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, मेरा दिन बहुत एनर्जेटिक जाता है, बॉडी को नरिश करने की वजह से मेरा काम अच्छा होता है, एंड यस ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है ऑटोमेटिकली मेरे वेट मैनेजमेंट की जर्नी में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर इनसॉल्युबल मतलब फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो सिर्फ आपके खाने में जब मल्टीविटामिन्स आप ऐड करोगे, आपको सिर्फ विटामिन्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपके खाने में अच्छी क्वालिटी का फैट भी होना चाहिए, ताकि जो भी आप विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके खाने के जरिए से ले रहे हो वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। सिंपल चीजें करनी है, फ्राइड फूड से आपको दूर रहना है, पैकेजेस फूड से आपको दूर रहना है, जो हमारे मार्केट में गुड क्वालिटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आपके दिन भर के मील्स में करना है, जो लो कैलोरी में रहेंगे एंड न्यूट्रिशियस भी रहेंगे। इन सारी तरीकों से आप आपके लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप आपके खाने में आपके दिन में खाने के जरिए से गुड न्यूट्रिशन ऐड करोगे तो डेफिनेटली आप आपके सेहत को बहुत ही बेहतरीन पाओगे। सो ये बेनिफिट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स को आपके खाने में ऐड करने में। सारी चीजें अलोंग विथ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, अच्छी करने के लिए सपोर्ट करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए सपोर्ट करेगा, आपके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए सपोर्ट करेगा, आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए सपोर्ट करेगा, आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ये ऑल टुगेदर लीड करेगा आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को। सो मेक श्योर दैट आपके खाने में विटामिन्स एंड मिनरल्स का कंटेंट होना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, बैक टू यू श्रेया प्रियंका मैम। यस यस, थैंक यू सो मच मैम. अमेजिंग, ऐसे तरीके से आपने जो मल्टीविटामिन का एक्सप्लेनेशन दिया है. सही में मल्टीविटामिन अगर हम लोग ऐड करते हैं हमारे डाइट में तो हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ती है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं हमें वेट लॉस के लिए भी. तो मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी. थैंक यू सो मच, ये अच्छे से इंफॉर्मेशन आपने शेयर की. यस, सब लोग थैंक यू बोलेंगे मैम को. थैंक सर प्लीज मुझे जरा हेल्प कीजिए आप यू अपने. मैम, थैंक यू मैम. हाँ यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू मच मैम. लोग बढ़ते हैं हमारी अगले पड़ाव की ओर. तो आज कॉन्टेस्ट प्रियंका मैम तुमसे माइक सर। यस, तो हम यहाँ टेस्टिमेल लेना चाहेंगे. हमारे पास दो तीन बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है, तो उनके हम लोग